सो गाइस एवरीवन वांट्स मेक मनी, यस गाइस सब कोई पैसे बनाना चाहते हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि कैसे पैसे बनाएं। अगर मैं इसे और भी सिंप्लीफाइड करूं तो ये लोगों को पता नहीं है कैसे आसानी से ऑनलाइन में इंटरनेट मार्केटिंग में पैसे बनाए जाए। बिकॉज जो लोग आपको शो कर रहे हैं कि पैसे ऐसे कमाने ऐसे कमाने ऐसे कमाने, वो लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हैं चीजों को और बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर दे रहे हैं, और एट द एंड कोई भी बिगनर हो वो गिव अप कर दे रहा है। बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने के बाद, कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद चीजें आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप एट द एंड गिव अप कर देते हो। तो उन सब चीजों को साइड में रख के मैं आप लोगों के लिए आज ऐसे 5 चीजें लेके आया हूं जहां आपको कोई भी स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपका दिमाग सही से काम करना चाहिए, आप फोकस रहना चाहिए, और अगर आप एक्शन लेते हो तो 100% आप $100 और डे नहीं इससे भी कई ज्यादा बना पाओगे। जैसा कि आपने पढ़ा हाउ टू मेक $100 और डे, हाउ टू मेक $100 और डे, बट मैं कहता हूं कि आप इससे बहुत ज्यादा बना पाओगे अगर आप ये जो 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप सही से समझते हो और इस पे काम करते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज टी एंड आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल ऑनलाइन मनी। तो गाइस जो सबसे पहला चीज है दैट इज कॉल्ड लोगो एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। यस गाइस मुझे पता है कि आप सुन सुन के इस चीज को थक गए हो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगो और ग्राफिक डिजाइन करने के लिए आपको किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाना है लाइक फाइवर एंड ऑल, मैं ये नहीं बोलूंगा। गाइस देखो तरीका वही है लेकिन टेक्निक आपको बदलनी पड़ेगी लाइक दैट। देखो अब जमाना आ चुका है थोड़ा स्मार्ट मूव्स का, आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करो और एड्स चलाओ लाइक दैट। अगर आप एक दिन का पर डे का ₹300 एड में इन्वेस्ट करते हो इन इंडिया, ₹300 इन एड इन्वेस्ट करते हो ऑन फेसबुक, ठीक है। अगर आप एक बंदे से $5, ठीक है, ओनली $5 चार्ज करते हो, कितना ₹300 आपने खर्च किया। अगर 5 कस्टमर भी आपके पास डेली आते हैं तो अगर आप $5 मतलब एक बंदे से $5 लेते हो तो ₹350 होते हैं, ठीक है। 5 का मतलब ₹1700 आपने अर्न किए अगर आपने ₹300 ऐड पे खर्च किया अपने प्रोफेशनल और पर्सनल प्रोफाइल जहां आपने लिख रखा है कि आप लोगो एंड ग्राफिक डिजाइन करो। लोगो और ग्राफिक डिजाइन करने के लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो जहां आप इजी टेम्पलेट का यूज करके ये दोनों चीजों को डिजाइन कर सकते हो अपने कस्टमर। एड चलानी है आपको फेसबुक पे ₹300 लगा, ठीक है, उसमें आपको 5 कस्टमर अगर मिनिमम मिले, 5 इससे भी कई ज्यादा आपको मिलेंगे, देखना आप खुद लगा के देखना, इससे ज्यादा आपको कस्टमर मिलेंगे। अगर आपको मिनिमम 5 भी पर डे के मिलते तो आप ₹1700 से ₹1500 तक अर्न करोगे सिर्फ ₹300 लगा के पर डे के। और इवन इस चीज को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने एड स्पेंड बढ़ाओ और आपका जो गेम है वो आगे बढ़ जाएगा। मैंने आपको एक बेस दे दिया, आप इस बेस को लेके आज काफी अच्छे से अपने काम को बढ़ाओ। नेक्स्ट कॉपी राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टूडे। गाइस क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, गाइस कॉपी राइटिंग होती क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। कॉपी राइटिंग वो चीज है गाइस जो बड़े से बड़े वर्ड्स को, बड़ा से बड़े पैराग्राफ को और बड़े से बड़े आर्टिकल को कुछ लाइंस में ही फिनिश कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। और इसकी टेक्निक ऐसी है कि जब कोई बंदा कॉपी राइटेड चीजों को देखता है तो वो बहुत जल्दी चीजों पे अटेंशन आप लेके आता है और वो चीज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो जो चीज है, जो वर्ड्स है वो उस बंदे को अट्रैक्ट करते हैं, यही चीज होती है कॉपी राइटिंग। कुछ उदाहरण है जो आप यहाँ देख सकते हो, ये सारी चीज जो है ये सब कॉपी राइटिंग है। हर चीज में कॉपी राइटिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो लैंडिंग पेजेस हो, चाहे वो फनल हो, मतलब हर चीज, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ आप कॉपी राइट का यूज नहीं करते। ज्यादातर ये मीडिया सेक्शन में यूज होता है जहां आप भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो और लोगों के लिए एज अ कॉपी राइटर काम कर सकते हो। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आपको कोई कोर्स लेना है या कुछ लेना है, यूट्यूब करो, गूगल करो, आपको बहुत सारी कॉपी राइटिंग की वीडियोज मिल जाएंगी। अगर और भी चीजें आपको कॉपी राइटिंग के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जहां मैंने कॉपी राइटिंग के ऊपर काफी चीजें बताई हैं, तो आप जाके देख सकते हो और कॉपी राइटिंग की नॉलेज ले सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि अपना पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड करो, उस पर एड चलाओ और अपने आप को बिल्ड करो, जैसा कि मैंने बताया कि पैसे लगाने आपको उतने, और वैसे ही यहां पर भी आपको काम करना है।
देखते हैं नेक्स्ट गाइस, फ्लिपिंग क्या होती है। गाइस फ्लिपिंग के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, और फ्लिपिंग एक ऐसा बिजनेस जहां से आप अनलिमिटेड पैसे निकाल सकते हैं। फ्लिपिंग ये चीज है ईबे, क्रैगलिस्ट, फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम, इवन एमेजॉन, आप ये सारी चीजों को यूज कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करते हो। ठीक है कि कुछ केसेस में आप अमेजॉन को यूज नहीं कर सकते हो, बट हर केसेस में आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ईबे को और क्रैगलिस्ट को यूज कर सकते हो, जहां आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास जाना है, वहां से आपको कुछ चीजें उठानी है, फोटोज खींचनी है और उसको जाके लिस्ट कर देना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्रैगलिस्ट और ईबे पे। अब आप यहां से समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको कम में पैसे सामान खरीदना है और उसको जाके वहां लिस्ट कर देना और उसको ज्यादा में सेल कर देना है। इसको आप रीसेलिंग, ड्रॉप शिपिंग और फ्लिपिंग तीनों चीज भी बोल सकते हो। ये थोड़ी थोड़ी चीजें तीनों की यहाँ मैच करती हैं। अगर आप ये चीज करते हो तो यहाँ से आप अनलिमिटेड पैसे अर्न कर सकते हो, और बिलीव मी लोग मिलियन मिलियन डॉलर पर मंथ अर्न कर रहे हैं। एंड आप इस चीज को गूगल करके देख सकते हो, इवन यूट्यूब करके देख सकते हो कि फ्लिपिंग करके लोग 1 मिलियन, 2 मिलियन और इससे भी कई ज्यादा USD अर्न कर रहे हैं पर मंथ। बस डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, बिकॉज ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। आपको 1-2 दिन घर से निकलना पड़ेगा, चीजों को ढूंढना पड़ेगा, कम से कम रेट में उनको खरीदना पड़ेगा, एंड देन उनको जाके लिस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा है। तो ये आप कर सकते हो और यहाँ से आप अच्छा खासा मनी निकाल सकते हो, इवन मनी रोटेट भी करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके बॉन्डिंग। नेक्स्ट, सोशल मीडिया। गाइज हैंडल सोशल मीडिया क्या है, ये हैंडल आज के समय में 3 बिलियन आई थिंक लोग जो है वो यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, और इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो अपनी ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, कंपनी की ब्रांडिंग या कोई कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जिनके पेजेस, ग्रुप एंड ऑल चीजें हैं। तो हर बंदे को जरूरत है एक सोशल मीडिया हैंडलर की। गाइस देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को अप्रोच नहीं करते, इट्स मीन कि हम पूछते नहीं है। जब तक आप कोई चीज किसी से मांगोगे नहीं, आपको मिलेगी नहीं। तो करना आपको ये है कि आपको एक छोटा सा मैसेज बनाना है, लाइक दैट आई एम अ सोशल मीडिया हैंडलर, इफ यू वांट सो आई कैन वर्क फॉर यू इवन फ्री। यस गाइस, आपने सही सुना, मैंने कहा फ्री, बिकॉज आपको शुरू में आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी एज अ सोशल मीडिया हैंडलर और मैनेजर, तब जाके आपको बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े कंपनी से आपको ऑफर्स आएंगे कि आप उनके सोशल मीडिया को हैंडल करो। बिकॉज शुरू में लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तो आपको उनके लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। जब आप फ्री में काम करोगे तो आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा और वहां से आपकी काफी अच्छी खासी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन आप ऐसे अपनी कंपनी या एजेंसी भी ओपन कर सकते हो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। ये बहुत बड़ी चीज है और अभी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट, वर्क ऑन लैंडिंग पेजेस एंड फनल। यस गाइस, आपने सही सुना, वर्क ऑन लैंडिंग पेजेस एंड फनल। आज के समय में हर बिजनेस को अब समझ में आने लगा है कि वो वेबसाइट से एंड ब्लॉग से उतना ज्यादा कन्वर्जन नहीं कर सकते जितना ज्यादा वो लैंडिंग पेजेस एंड फनल से कर सकते हैं। बट लैंडिंग पेजेस एंड फनल को बनाने में स्ट्रेटेजी का यूज होता है जो सबको नहीं पता होता है। लाइक आप अगर एक सिंपल मार्केटर हो या ब्लॉगर हो, तो आपको नहीं पता कि आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, आपको फनल कैसे बनाना है। बट आप एक सीपीए मार्केटर हो, एक एफिलिएट मार्केटर हो और आप यूज करते हो फनल एंड लैंडिंग पेजेस, तो आपको पता है कि कौन सी ट्रिक्स कहाँ काम करती है, कौन से कॉपीराइटेड वर्ड्स कहाँ काम करते हैं, कौन से बटन, कौन से कॉल टू एक्शन कहाँ काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता है। तो आप ये सर्विस भी लोगों को दे सकते हो कि भाई आप एफिलिएट मार्केटर हो, आपकी कंपनी है या आप जो भी हो, आपको ये चीज लगेगी, आप उनको इंट्रोड्यूस करा के बोल सकते हो कि मैं आपके लिए ये सारी चीजें बना सकता हूँ। तो आप चाहो तो ये भी सर्विस लोगों को भेज सकते हो कि ये जो चीज है ये इंडिया में इस समय बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से इंडिया में ये चीजें फैल रही हैं। और इवन आप इस चीज को गूगल करके चेक कर सकते हो कि फनल मार्केटिंग और लैंडिंग पेज मार्केटिंग अभी इंडिया में काफी बूम पे है और हर कंपनी इस चीज को अपना रही है, एंड इवन बहुत सारे लोग अभी इस चीज से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अगर आपको ये चीज करने आती है तो लोगों को आप सर्विस देके काफी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से भी निकाल सकते हो। और ये ऐसी चीजें हैं जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, बिकॉज
हर प्रोडक्ट के लिए, हर फॉर्म के लिए, हर कैंपेन के लिए लोगों को लैंडिंग पेज चाहिए, लोगों को फनल चाहिए एंड ऑल चाहिए ही चाहिए। तो ये जो पांच चीजें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा स्कोप में है, बिकॉज ये वो चीजें हैं जहां आप इजी अपना बस दिमाग यूज करके फ्लिप करके और लोगों को हायर करके ये सारी चीजें करा सकते हो। और एज अ बिगिनर मैं आपको बोलूंगा कि आप कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके $300-$400 इन्वेस्ट करके काफी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपको और भी अर्निंग करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, दैट इज कॉल्ड बिल्डर। बिल्डर पे आप बहुत सारी ऐसी सर्विस दे सकते हो, मैंने यहाँ पांच बताई है, वहां आप 100 सर्विस दे सकते हो और 100 सर्विस से काफी ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। इवन $100 इज जस्ट अ इनिशियल अमाउंट, आप $1,000 $2,000 इससे कई ज्यादा अर्न कर सकते हो, बिलीव मी। बट जरूरत है कि आप काम करो, मेहनत करो और एक्शन लो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।